इस वक्त हम लोग सिलीगुड़ी कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ पर गवर्निंग बॉडी ऑफ सिलीगुड़ी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर जयंत कर जी। इनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर ही आज से ही लेकिन ये कर्मसूची स्टार्ट हो रही है कि सिलीगुड़ी कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस जो है बच्चों के लिए वो शुरू हो रही है, तो किस प्रकार से ये प्रक्रिया जो है वो चलेगी, तो विस्तार से जो जानकारी जो है वो हम सर से लेंगे। सबसे पहले आज शिक्षक दिवस से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू इसका लाइव को भी मेरा प्रणाम। आज शिक्षक दिवस है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, इसको नेशनल टीचर्स डे मना जाता है। एक्चुअली आज से हम लोग लाइव ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं, तो हमारा अभी तो राष्ट्रीय शोक चल रहा है, इसलिए हम लोग इसको कोई ऑफिशियली इनॉग्रेशन नहीं किए हैं, लेकिन स्टूडेंट लोगों को भलाई के लिए हम लोग स्टार्ट कर दिया क्लास। आज 10 बजे से क्लास स्टार्ट हो गया, क्लास चल रहा है अभी भी, अभी प्रिंसिपल भी क्लास लेंगे यहाँ से, सब टीचर घर से क्लास ले रहे हैं। अभी हम लोग थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर ये दोनों का क्लास स्टार्ट किया आज से। आज प्रिंसिपल को लेके 25 टीचर्स आज क्लास ले रहा है, सब डिपार्टमेंट से एक एक करके टीचर क्लास ले रहा है, कोई डिपार्टमेंट से दो टीचर भी ले रहा है। अभी मंडे से सभी टीचर एक एक क्लास लेगा, टोटल जितना टीचर्स है करीबन हम लोगों को अभी 90 टीचर्स है, हाँ सिलीगुड़ी कॉलेज में, तो ये सब टीचर एक एक करके क्लास लेगा एवरीडे। हाँ आर्ट्स की स्ट्रीम में या फिर आर्ट्स साइंस बोथ, आर्ट साइंस बोथ दोनों मिला के 90 टीचर्स है, करीबन 90 का एबा भी होगा टोटल, तो करीबन 100 का करीबन क्लास एवरी डे होगा। वो लॉगिन यहाँ पर हो रहा है अभी, लॉगिन स्टूडेंट लोगों को लॉगिन के लिए बुलाया गया, अभी लॉगिन कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर दिया। अभी स्टूडेंट लोग डायरेक्टली इंटरेक्शन भी कर सकेंगे, क्लास भी होगा ऑफिशियली, जैसे क्लास में बैठ के क्लास होता था वैसे ही क्लास होगा यहाँ पर भी। और ये रिकॉर्डिंग होके फिर ये गूगल मीट से रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग होके ये मेरा वेबसाइट में वो लिंक रहेगा, कोई भी स्टूडेंट अगर मिस कर गया वो जा सकता है वहाँ पर जाके, वो फिर क्लास देख लेगा, कोई भी बिजी रह सकता है। अभी कॉलेज 10 से 5 होगा, लेकिन हम लोग रात 10 बजे तक क्लास ले लेंगे, कोई भी टीचर 10 से 5 क्लास नहीं ले सकते हैं किसी भी कारण से, कोई बीमार हो सकता है अभी जैसा पैंडेमिक सिचुएशन है, तो रात 10 बजे तक क्लास ले सकते हैं, 6 का बाद, 7 का बाद, 8 का बाद क्लास ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 बजे से रात के 10 बजे तक फ्री, 8 बजे से भी हो सकता है, जैसे टीचर का अवेलेबल होगा वो क्लास लेगा, लेकिन वीकली रूटीन हम लोग मंडे का रूटीन अभी दे देंगे, मंडे से सैटरडे तक नेक्स्ट सेशन का वो रूटीन बन गया है, वो रूटीन हम लोग वेबसाइट में दे देगा, एक हफ्ता का रूटीन, एवरी वीक का रूटीन वो संडे में हम लोग वेबसाइट में दे देगा सबके भलाई के लिए। सर इस पैंडेमिक के बीच जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हैम्परिंग तो हो ही रही है, और काफ़ी एक लंबे समय से 6-7 महीने हो गए अभी खत्म, करीबन 6 महीने तो बंद जिस तरीके से है, और अभी इतने लेट से अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का शुरुआत करने में, तो अभी तक जो सिलेबस इनकम्प्लीट रहा था बच्चों का उसके लिए आप लोग, एक्चुअली जो हुआ हम लोगों का मई तक सेशन है, 14 मार्च तक हम लोग सिलेबस किया है, क्योंकि 14 मार्च तक हमारा क्लोज हुआ है, 14 मार्च से, तो करीबन 1 महीना 10-12 दिन या 15 डेज, 1.5 मंथ हम लोगों का बंद हुआ है, तो 80% हम लोगों का सिलेबस ख़त्म हो गया था। अच्छा। इस सेमेस्टर का जो सेमेस्टर चला गया तो वो तो प्रमोट हो गया, और 25% उसका जो सिलेबस नहीं हुआ था वो टीचर लोग PDF करके दिया था, क्योंकि उस टाइम में कॉलेज बंद करके दिया था, पूरा लॉकडाउन था, सेंट्रली लॉकडाउन था, तो कोई भी टीचर कॉलेज में नहीं आता था, कॉलेज बंद रहा, तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे ये। जब अनलॉक हुआ है तब हम लोग बैठ के डिसीशन लिया और तुरंत स्टार्ट कर दिया कॉलेज, और माने क्लासेस स्टार्ट कर दिया, ऑफिस खोल दिया हम लोग, डिपार्टमेंट भी अभी सैनिटाइज हो रहा है, सब डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट को सैनिटाइज कर रहा है हम लोग,
क्योंकि गवर्नमेंट जिस दिन बोलेगा जो कॉलेज खुलने के लिए ऑफलाइन, उस दिन ही हम लोग कॉलेज खुल सकता है, क्योंकि हम लोग एकदम रेडी करके रखा हुआ है। स्टूडेंट लोग अभी नहीं आता है, लेकिन जब तक स्टूडेंट लोग नहीं आएगा और पैंडेमिक सिचुएशन का कारण अभी भी स्टूडेंट अगर आएगा, हमारा यहाँ पर 5000 अबव स्टूडेंट है, एक दिन में अगर 60% स्टूडेंट आए तो 3000 अबव होगा। तो 3000 अबव स्टूडेंट जब कॉलेज में आएगा तो कितना सारे या कहाँ कैसे डिस्टेंस मेंटेन होगा, तो कुछ तो क्लासेस उसका ऑफ होगा। जिसमें 100 स्टूडेंट बैठता था अभी 50 बैठेगा, तो 50 का तो दूसरा दिन क्लास लेना पड़ेगा, तो कुछ क्लासेस तो कार्टल होगा। तो वही कार्टल जो क्लास हो रहा है वो जो उसका हम लोग ऑनलाइन में कराएगा, क्योंकि हमको सिलेबस ख़त्म करना है सीबीएसई सिस्टम में। तो पैंडेमिक सिचुएशन कब ख़त्म होगा, कब वायरस जाएगा। स्टूडेंट लोगों के ऊपर तो हम बोझ नहीं डाल सकते हैं ना, लेकिन उसका पढ़ाई भी होना है। तो आप लोग फिर भी कब तक आशा कर रहे हैं कि कॉलेज जो है वो खुल सकते हैं? ये तो देखिए, यूजीसी का गाइडलाइन जो होगा, अभी तो एग्ज़ाम भी घर में बैठ के हो रहा है यूजीसी का गाइडलाइन मुताबिक, तो अक्टूबर में होगा शायद, हमारा हिसाब से नवंबर का पहले से हो सकता है कॉलेज शायद। हाँ शायद। सर, जो भी बच्चों को प्रमोट किया गया है और जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम लेकिन होना ही है, उसमें अगर हम बात करें तो जो बच्चों को प्रमोट कर दिया गया फर्स्ट ईयर जो सेकेंड ईयर से, नेक्स्ट ईयर में उनको जाकर के पढ़ाई में कितनी असुविधा हो सकती है? या फिर असुविधा नहीं होगा, क्योंकि उसका जो सेमिस्टर बेसिस जो क्लास हुआ है, वो क्लास का बेसिस में टीचर लोग उसका जो असेसमेंट होता है, वो असेसमेंट का बेसिस में उसको प्रमोट किया है। उसका जो नंबर है, उसका क्लास टेस्ट का असेसमेंट जो है, वो असेसमेंट का बेसिस उसका नंबर मिला है। और सिलेबस हम लोग तो 80% सिलेबस तो ख़त्म ही कर दिया था, और पीडीएफ में बाकी कोशिश किया है 10-15% ख़त्म करने के लिए। पूरा का पूरा तो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि इतना बंद रहने से तो ख़त्म नहीं होगा ना। तो अभी तो जुलाई महीना से थर्ड सेमेस्टर होने का, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर स्टार्ट होने का, ये तो 2 महीना, फिर और 2 महीना हो गया जुलाई अगस्त। तो हम लोग इसलिए तुरंत स्टार्ट कर दिया सेप्टेम्बर का पहले से ही, जो अभी से स्टार्ट कर दिया, जो सिलेबस जल्दी से जल्दी हम लोग ख़त्म कर सके। जब कॉलेज खुलेगा, स्टूडेंट लोग आएगा, उसका पहले हम लोग 50% to 60% क्लासेस ख़त्म करने का हम लोगों का इरादा है, जो हम लोग जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का काम कर रहा है। इसलिए ज़रूरत पड़े तो हम लोग वही बोले, सुबह भी क्लास लेंगे, शाम को भी क्लास लेंगे, रात को भी क्लास लेंगे सिलेबस ख़त्म करने के। हाँ, सिलेबस हम लोग को ख़त्म करना ही है, क्योंकि ये एक बड़ा कॉलेज है, इसमें बहुत सारा बाहर का स्टूडेंट भी यहाँ पर आता है। अभी हॉस्टल बंद है, वो कैसे रहेगा, हॉस्टल अब बंद है, तो वो घर में बैठ के तो क्लास तो करेगा ना, क्लास तो कर सकेगा ना। यही है तो हम लोगों का इरादा है, हम लोग कोशिश कर रहा है। देखिए, ये तो होगा, कोई मुश्किल तो दो एक बात का तो प्रॉब्लम होगा ही, किसका पास एंड्रॉयड फ़ोन है, नहीं है, किसका पास है। तो अगर कॉलेज खुल जाएगा तो जिसका पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, हम लोग उसको कॉलेज में नेट फैसिलिटी देगा, और क्लास करने के लिए उसको भी फैसिलिटीज हम लोग देगा, वो बात कर रहे हैं हम लोग। सर, ये तो हुई आर्ट्स और कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस की बात, लेकिन कॉमर्स कॉलेज की अगर हम बात करें तो हम लोगों का अंडर में नहीं है, वो तो रात में है, उसका अलग गवर्निंग बॉडी है, अलग प्रिंसिपल है, उनको अलग से आपको बात करना है। सर, आज जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि एक बड़ी जानकारी जो है सर से हमने ली, कि जो भी आर्ट्स के और साइंस के स्टूडेंट हैं वो मंडे टू सैटरडे जो है सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक क्लास तो होंगी ही, और उस बीच अगर कोई स्टूडेंट्स या जो टीचर्स है वो अगर क्लास नहीं दे पाए या नहीं बच्चे ले पाए, तो उनके लिए लेकिन रात तक 10 बजे तक भी ऑप्शन है, और बाद में उस जो भी रिकॉर्डिंग को है उनके वेबसाइट में डाल दिया जाएगा, तो बच्चे वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और ये एक बड़ी जानकारी फ़िलहाल सिलीगुड़ी कॉलेज से हम आपको दे रहे हैं। सर, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आप भी कभी ना कभी एक स्टूडेंट रहे हैं इस कॉलेज के भी, और अपने स्कूल लाइफ से लेकर के कॉलेज तक की सफ़र में आप क्या कहेंगे अपने शिक्षकों को, अगर कुछ मेमोरी अगर आपको याद आए? एक्चुअली हम लोग अभी भी स्टूडेंट ही है, सीख रहे हैं, सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। अभी भी तुमको पास से भी हमको सीखना है, कोई भी तुम्हारा पास भी भलाई कुछ होगा, हमारा पास भी भलाई कुछ होगा, सबका अंदर में भलाई है,
तो सबसे हमको सीखना है। अभी भी हम लोग स्टूडेंट हैं, जो भी हम लोगों को गाइड कर रहा है सभी हमारा शिक्षक है, सबको हमारा प्रणाम। सभी से हम लोग शिक्षा ले रहे हैं, सबको अभी भी जितना स्टूडेंट, और इसी कॉलेज का मैं स्टूडेंट था, इसी स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी था मैं, तो मैं अभी भी जब गवर्निंग बॉडी का मीटिंग करता हूँ तो यही सोच के गवर्निंग बॉडी का मीटिंग करता हूँ। मैं अभी स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हूँ, स्टूडेंट का भलाई के लिए जो भी काम करना है वो हम लोग करेंगे। सर, सिलीगुड़ी कॉलेज की अगर बात करें या फिर अपनी स्कूल लाइफ की बात करें, तो सबसे फेवरेट टीचर जो थे वो आपको, अगर किसी टीचर की कोई बात अगर आपको याद हो। एक्चुअली फेवरेट बात बहुत सारे हैं, अभी बहुत याद में आ रहा है, लेकिन एक टीचर, हम जब टेक्निकल कॉलेज में पढ़ते थे, हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं, तो उसमें हमको एक टीचर का बात याद में आया। वो हमको बोला, जो तुमको आँख है देखने के लिए तो भलाई देखो, कान है सुनने के लिए तो भलाई सुनो, और जो मुंह है वो बोलने के लिए तो भलाई बोलो। ये बात हमको हर टाइम याद में आता है, ये भलाई सुनना है, भलाई देखना है और भलाई बोलना है। तो हम बात कर रहे थे जयंतो सर से, जिस तरीके से उन्होंने आज कहा है, वो अपने सर के बात कर रहे, अपने गुरुजन के बात कर रहे जो उनको अभी तक याद है, यानी कि गांधी जी के जो तीन बंदर थे, बुरा ना देखो, बुरा ना कहो, बुरा ना सुनो, लेकिन उनके सर ने उनको इतनी अच्छी गाइडलाइंस दी है कि आपकी आँखें अच्छे देखिए, अच्छा बोलिए और अच्छा सुनिए। अगर इसी राह पर अगर हम सभी बच्चे अगर चले तो ज़िंदगी में जो लक्ष्य है वो अवश्य हम हासिल कर पाएंगे और अपना एक अस्तित्व जो है वो सभी के सामने जमा पाएंगे। सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज हमसे जुड़े, सर से बात की हम लोग, और ये बातचीत में बहुत अहम बात ये निकल के आई है जो कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी है। फिलहाल हम आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस जो है वो चल रहा है। सिलीगुड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल यहाँ पे सीधे तौर पर क्लासेस जो है वो ले रहे हैं। तो आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी कॉलेज के जो प्रिंसिपल है सुजीत सर, वो फिलहाल हिस्ट्री का क्लास ले रहे हैं और यहाँ पर उनके साथ स्टूडेंट्स जो है वो भी ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं और सर यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस जो है वो देख रहे हैं। और आज से सिलीगुड़ी कॉलेज में ये क्लास जो है ऑनलाइन क्लास की प्रक्रिया वो आज से सिलीगुड़ी कॉलेज में शुरू हो चुकी है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आर्ट्स के और जो साइंस के बच्चे हैं, वो सभी जो है वो सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक क्लासेस जो है वो कर सकते हैं। अगर इसी बीच किसी भी बच्चे की पढ़ाई जो है अगर नहीं हो पाती, ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाता है, तो वो रात के 10 बजे तक भी दूसरी क्लास होंगी, फिर उसमें वो अटेंड कर सकते हैं या फिर जो टीचर से वो उनको उस तरीके से पढ़ाएंगे और जो लिंक है वो बाद में उनकी वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, जिससे आप बाद में भी वहाँ से देख करके पढ़ सकते हैं। और ये बहुत बड़ी जानकारी जो है फिलहाल हमने आपको दी। सिलीगुड़ी कॉलेज से अमित सूत्रधर की रिपोर्ट के साथ नेहा गुप्ता, एसके लाइव। স্বাধীনতা থেকে শুরু হলো স্বদেশী অভিযান, গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ এল উজ্জ্বল হিন্দুস্তান, মঙ্গল পর্যন্ত পৌঁছে গেল স্বদেশী মঙ্গল যান। তাহলে কেন হবে না হিন্দুস্তানি নিজেদের সব জিনিস আমরা বদলাবো, তবে তো বদলাবে হিন্দুস্তান। সূর্যা আত্মনির্ভর ভারতের প্রতীক। आज जहां कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपोवेयर। आपके विजुअल एडवर्टाइजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें
7908554308।